दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पनीर का पानी भी बड़े काम का है, स्किन की ये दिक्कत करता है दूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज ही कमाल की वीडियो को, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पनीर की सब्जी तो आप सभी स्वाद से खाते होंगे, किसी भी घर में फैमिली फंक्शन हो तो पनीर की एक से बढ़कर एक रेसिपी बनती है। बिना इसके तो भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद के साथ सेहत के भी बहुत लाभ है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि पनीर से त्वचा को भी निखारा जा सकता है? जी हाँ, पनीर के बचे हुए पानी से आप त्वचा को भी निरस्त कर सकते हैं। यह आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकता है। टैनिंग दाग धब्बे पिंपल्स और एक्ने को हटाने में मदद करता है। तो जानते हैं कैसे पनीर का पानी स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। चेहरे पर पनीर का पानी लगाने के लिए आप टोनर मॉइस्चराइजर और फेस पैक में मिलाकर लगा सकते हैं, या फिर इसका टोनर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार से महंगे महंगे टोनर खरीदकर अगर आप लगाते हैं तो आप इसकी जगह पर पनीर के पानी से टोनर बनाकर लगा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले पनीर का पानी 3 से 4 चम्मच और एलोवेरा जेल 1 चम्मच, केसर के धागे 1 से 2 पीस और एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल और पनीर के पानी को अच्छे से मिला ले। इस मिश्रण में केसर के धागे डालकर थोड़ी देर के लिए रख दे। अब इसे स्प्रे बोतल में भर ले और फ्रिज में स्टोर करें। अब आपके पनीर के पानी का टोनर तैयार हो चुका है। आप इसे स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसे कॉटन बॉल्स पर लगाकर चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, फेस पैक कैसे बनाते हैं। पनीर का पानी 2 से 3 चम्मच ले ले और शहद 1 चम्मच, और सबसे पहले एक पनीर का टुकड़ा ले लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए। अब इसमें पनीर का पानी और शहद डालकर मिला लीजिए। सभी चीजों को मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट तैयार कर ले। अब इस पेस्ट को पेस्ट पैक की तरह चेहरे और गर्दन पर लगाए। 15 से 20 मिनट के बाद इसे नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो लेवे। इससे आपकी त्वचा मॉइस्चराइज और ग्लो हो जाएगी, क्योंकि पनीर के पानी में खूब सारे पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को पोषण देते हैं। तो दोस्तों, आपने भी कभी ऐसे घरेलू नुस्खे का प्रयोग किया है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।